Can I please call upon stage Mr. V.K. Chaudhary to share few things with us, please? कि मैं आपके सामने बोलने का मौका दिया गया मेरे को, तो हालांकि मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, मगर मैं बुद्धिज्म में पूरा विश्वास है मेरे, और जो आदमी हमारा दलित हो बुद्धिस्ट नहीं है तो मुझको वो अधूरा दिखाई देता, वो कहीं पर भी नहीं है। आई बिलोंग टू यूपी इलाहाबाद, जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे बोलने का मौका मिलता है, और मैं तो किसी आदमी को बुलाने पर ज़रूर जाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं उनसे यहाँ तक कहता हूँ कि तुम इस गंदगी से निकलो, हिंदुइज्म की गंदगी से निकलो, जहाँ चार वर्ण के ऊपर तुम्हारी व्यवस्था है और वो सबसे नीची व्यवस्था है। तो मैं उसे ये कहता हूँ कि भाई तुमको बुद्धिज्म नहीं पसंद आए, और भी कोई चीज़ पसंद आए, मगर इससे निकल जाओ जिसमें चार वर्ण की व्यवस्था है। इसी के अंतर्गत हमारी एक संस्था बनी यहाँ पर, और उसके विधान लिखने की बात आई तो मैंने उनके मेम्बरों को कहा कि भाई विधान लिखो, मगर इस तरह से यहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर में ऐसा हुआ कि दलित की ऑर्गेनाइजेशन बनी और उसमें दूसरे लोग घुस गए और दलितों को निकाल करके बाहर कर दिया, और उसके बाद चार साल पाँच साल तक मुकदमा चला। अभी वो ऑर्गेनाइजेशन दलित के हाथ में आ चुकी है, तो ये बहुत, उसमें मैंने एक पेपर मंगाया कि हु कैन बी मेम्बरशिप हैव मेम्बरशिप अवर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक क्लॉज मैंने ऐड किया कि जो आदमी वर्ण प्रथा पर नहीं बिलीव करेगा वही इसका मेम्बर होगा। तो इस पर जो है फिर भी लोगों के अंदर मानसिक प्रॉब्लम है, उसको लिखने के लिए सारे लोग अपोज कर रहे हैं। मैंने कहा फिर तुम जब तुम फंसोगे इनके संदर्भ, ये कई संस्थाएं दलित की, रविदास की, ये बैंक सिखों द्वारा ले ली गई, फिर भी उनके समझ में नहीं आता। हालांकि मैं ज़्यादातर कभी कभी पोइट्री पढ़ देता हूँ, 1999 में मैंने ये किताब बाबा साहब के इस कंट्री से लिखी, और मैं ATM की बेल्लबा फिर में काम करता था, मुझे यहाँ आज 45 साल से ज़्यादा हो चुके। 71 में मैं ग्रीन कार्ड दे के मैं और मेरी वाइफ एक साथ चले गए, और फिर सबसे यहाँ से बेस्ट कंपनी में काम किया, दैट वाज ATM की बेल्लबा। सो एनीवे मुझे लोग ज़्यादातर, मैं बेसिकल इंजीनियर हूँ, मगर लोग कभी कभी मुझे पोएट नहीं समझते हैं, और जो चीज़ें मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जो हिंदी के कवि सम्मेलन होते हैं बड़े से बड़े, उनके सामने भी पढ़ता हूँ। मैंने दलित के सामने दलित की बात पढ़ दी थी, उस क्या बहादुरी मैंने पापड़ दे दिया, मैंने जो हिंदी के माने हुए लोग हैं उनके सामने ये बातें मैं कहता हूँ, उनके सामने ये चीज़ें मैं कहता। एनीवे तो मैं अभी लंबा नहीं करूँगा, टाइम तो हो गया, मैं तो जाने वाला था, मगर बच्चों ने मुझको इंकरेज किया कि ये छोटे बच्चों के लिए अगर मुझे टाइम में देरी लगती है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बच्चों ने मुझको उत्साहित किया बैठे रहने के लिए और लेक्चर देने के लिए। मैंने पहले हमेशा कुछ पोइट्री मुझे बहुत पसंद थी और मैं उनको रिपीट करता हूँ कभी कभी, और आज एक मैंने बदल दी है, आपके सामने ये पढ़ूंगा मैं। मैं कांवले साहब को विशेष आभारी हूँ, वो मुझे हर जगह मौका देते हैं बातचीत करने का, क्योंकि यूपी में तो मैं बात करता ही रहता हूँ, मुंबई में भी बात करता रहता हूँ। गंगाधर पंतावने एक बहुत मशहूर राइटर हैं, उन्होंने इस बुक की सराहना की है, तो कहने का मतलब यह है कि जो आपके बसंत मोहन साहब जो थे, जिन्होंने बाबा साहब का संग्रह लिखा है, वो मेरे घर पर रुके, और कई लोग महाराष्ट्र से अच्छे अच्छे लोग।
तो मैं पढ़ूंगा भगवान को, मैं पढ़ता हूँ, जब तक मैं भंग का गोला नहीं खाता तब तक मैं पोएट्री नहीं पढ़ सकता, उसके बाद एक दूसरी पढ़ूंगा। कहते हैं ढूंढते उस भगवान को जिसने शूद्र का खिताब दिया, लूट कर जब्त कर घरबार तेरा पाई गना हिसाब किया, ढूंढते उस भगवान को जो भंग जो भव्य मंदिर में जमा, देवदासी संग ले मंगल में देखो वो रमा, ढूंढते उस भगवान को सखियों संग रास रचाता है, ढूंढते उस भगवान को सखियों संग रास रचाता है, कर चीर हरण बेचारी का छर्रे बड़े उड़ाता है, ढूंढते उस भगवान को हर धाम में जाकर बसता है, सोने का चढ़ावा मिलने पर वो स्वर्ग का विषय होता है। तो ये आप लोग तो ज़्यादातर बुद्धिस्ट है, मगर जो हिंदू भाई है उसके लिए मैं खास कर से ये उन्हीं के लिए पढ़ता हूँ। फिर दलित तेरा भगवान कौन, तेरा भगवान तो बसता है झोपड़ पट्टी सुन प्यारे, वो ठिठुरता राज राज को है किसी फुटपाथ के किनारे, तेरा भगवान तो कराता है हर रात कोठे पर बनारस में आगरा में बम्बई के छकले में, तेरा तो भगवान तो मांगता है कुछ रोटी के टुकड़े जो हर दम तड़पता है भूख प्यास के मारे, मेरा भगवान तेरा भगवान तो सजता है कुछ गंदे चिथड़े में मंदिर तो है उसका सजा गंदे नाले के किनारे, तेरा भगवान कौन है, पंचशील है धर्म ही तेरा, मानवता भगवान तेरी दया धर्म है मंदिर तेरा, बुद्ध की यह बात सही। ये पोथी तो मैं जरूर पढ़ता हूँ, ये मेरी पोथी है, मगर आज एक नई पोथी पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बोला मैं पोएट के बीच में भी अपनी पोथियाँ पढ़ता हूँ जो कि अपने हिंदी के जाने माने। और आपको ये बात बता दूँ, यहाँ महाराष्ट्र मंडल है, महाराष्ट्र मंडल के अंदर दलित मृतों की पोथी मैंने यहाँ पर पढ़ी, चलिए इसको कहते हैं सेठी। ये लोग ये हिंदू लोग तो दलित को मार के बहुत सी की हाँकते हैं, मगर इनके सामने एक मुसलमान आ जाए या कोई और आ जाए राजपूत आ जाए तो उनका स्टेक ही बंद हो जाता है। जला कर दलित के गांव चला गोली निहत्थों पर, कर अत्याचार दुर्बल पर स्टेक ही हाँकते हो। ये मैंने लंदन में हिंदी कॉन्फ्रेंस में कहते, चोरी कर डकैती कर नोटों को चुरा करके बने हो आज तुम नेता शेखी हाँकते हो क्यों, किए हैं ढोंग मंदिर में धर्म का पाठ ना सीखा, चढ़ा घूस लड्डू का शेखी हाँकते हो। मैं इसलिए हिंदू लोग मार के दलितों की बड़ी शेखी हाँकते, मैंने उसकी कहानी तो होगी उसको गाड़ी के पीछे में बांध करके पिटाई लगा दी। फिर आगे क्या है, भलाई के नाम पर मंदिर और शिवालय बनाए, बचत कर टैक्स पैसों की शेखी हाँकते हो क्यों, गाय गीत गीता की पढ़ी है सारी रामायण, कलाकर गंदगी वर्णों की शेखी हाँकते हो। हिपोक्रेट धर्म को पढ़कर हिपोक्रेट बन गए हिंदू, गहराई गोत्र की शानों शेखी हाँकते हो। जात पूछने के बाद आपका गोत्र भी पूछता बताया। अभी दो चार लाइन और है, सताया तुमने दलितों को सदियों से जमाने से, तिरंगी संग रह करके शेखी हाथ को, उच्च रहने के सपनों में मिले तुम देश दुश्मन से लगाई जात भारत को शेखी आते हो। ये समाज भारत का एक्सप्लॉयटन से भरा, धर्म की यह गंदी व्यवस्था शेखी हाँकते हो। बसाया शूद्र को तुमने हर गांव के बाहर, लगाकर आग झोपड़ी में शेखी हाँकते हो। बनाओ एक भारत को, मिटा दो जात पाति को,
कहेगा कोई ना तुम पर शेकी आप लोगों ने जोश जिस पेशेंस से सुना ये काबिले तारीफ है। और मैं ये भी कह देता हूँ मैंने जब ये महाराष्ट्र मंडल में ये कुर्ची पढ़ी तब भी लोगों ने इसको पेशेंटली सुना क्योंकि मेरा विचार ये है कि महाराष्ट्र के लोग आर्ट से इंक्लाइन होते हैं पोइट्री को भी समझते हैं तो वो उसकी प्रूफ आपने दी। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Mr. Chaudhary. Thank you really so much. That was really thoughtful and meaningful.